मॉर्निंग वोकल रियाज, प्रातःकालीन कंठ साधना, पंडित अवध किशोर पांडे, मेरे पिता गुरु। आज से कई वर्ष पहले उन्होंने यूट्यूब को ओमकार मंत्र के सही रियाज का एक तोहफा दिया था। अ ऊ ओ ओम, ओमकार मंत्र का ये जो वर्ण विच्छेद है, ये जो तोड़ा गया और फिर अ ऊ ओ ओम ये पांच अक्षर बने, ये पंच अक्षरीय मंत्र आज विश्व भर में रोज सवेरे 4 बजे उठकर सैकड़ों विद्यार्थी इसका रियाज कर रहे हैं, और इसका श्रेय मेरे पिता गुरु पंडित अवध किशोर पांडे जी को जाता है कि उन्होंने अपनी शिक्षा से, अपनी समझ से संगीत और अध्यात्म को जोड़कर इस रियाज को समझा, किया और आगे बढ़ाया। ये कोई उनकी उपज नहीं है, ओमकार का रियाज सब करते हैं। ओमकार मंत्र को इन टुकड़ों में कई लोगों ने बांटा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, वेदों से लिया गया ये रियाज है, लेकिन इसे संगीत में किस तरह से उपयोग करना है उसकी एक विधि मेरे पिताजी ने सभी लोगों को सिखाने की, बताने की कोशिश करी। आज इस वीडियो में कुछ वक्त पहले उन्होंने, क्योंकि ये रियाज है ही ऐसा कि इस पर जितना मंथन, जितना चिंतन किया जाए कुछ ना कुछ नया निकल के आता है, तो उन्होंने इस पर एक और चिंतन किया कि कैसे ये पांच अक्षर हमारे पांच पदार्थों से जुड़े हैं, जिन पांच तत्वों से ये सृष्टि बनी, जिन पांच तत्वों से ये शरीर बना, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। ये पांच जो तत्व हैं जिनसे हमारा ये शरीर बना है, जिनसे ये पूरी सृष्टि बनी है, कैसे इन पांच अक्षरों का इन पांच तत्वों से रिलेशन है, और क्या होते हैं मॉर्निंग वोकल रियाज के चमत्कार, कैसे आयु में वृद्धि हो जाती है, उस पर पूरी चर्चा करने जा रहे हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, थोड़ा सीरियस टॉपिक है, आध्यात्मिक टॉपिक है और मंथन और अनुभव का टॉपिक है, पूरा वीडियो देखिएगा। सुनी मैं हरि आवन की आवाज, सुनी मैं हरि आवन की आवाज। बहुत सारे वीडियोस में बार बार मेरे पिता गुरु पंडित अवध किशोर पांडे जी ने ओमकार के रियाज की महिमा का वर्णन किया है कि कैसे ये रियाज हम सभी के जीवन में, कैसे इसकी साधना, ओमकार की साधना में अगर तल्लीन हो जाएं, हम एक एक अक्षर में खो जाएं, तो कैसे हमारे शरीर में, हमारे ज्ञान में, हमारे गायन में वृद्धि होती है, बढ़त होती है। उस पर कई बार हम बात कर चुके हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं ओम के रियाज के, तो आज मैं उन सारे फ़ायदों को तो इसमें यहाँ बखान करके वक्त और नहीं बढ़ाऊँगा इस वीडियो का, जो मेन टॉपिक है आज उसी पर मैं रहूँगा कि कैसे मॉर्निंग वोकल रियाज का चमत्कार ये है कि पांचों तत्वों से ये जुड़ा हुआ है। एक एक अक्षर को लेकर अगर हम चलें, एक एक अक्षर से बनने वाले पर्यायवाचियों पे जाएं, तो सबसे पहला तत्व अगर मैं बोलूं, वैसे इसका कोई क्रम नहीं है कि कौन सा तत्व पहले आता है क्या नहीं, लेकिन पृथ्वी का जो तत्व होता है उसे हम अवनि भी कहते हैं। ये उनकी रिसर्च है, उन्होंने सोचा, इस पर मंथन किया कि कैसे एक एक
तत्व जो पृथ्वी है, जैसे जल है, अग्नि यानी प्रकाश है भले ही, और आकाश है और वायु है, ये जो पांच तत्व हैं, कैसे इनका ही कोई पर्यायवाची शब्द मिला जो इस अ उ ओ ओम से शुरू हो रहा है। जैसे अ से अवनि यानी पृथ्वी, उ से उदक यानी कि जल, ओ से ओज, ओज यानी उजाला, प्रकाश जो कि अग्नि का ही स्वरूप है, फिर ओ से ओंकार, ओंकार कहते हैं आकाश को, फिर म से वायुम, जहां वायुम, वायुम यानी वायु, पवन। तो ये पांच तत्वों से इन्होंने ये पांच शब्द निकाले जो इन्हीं पांचों तत्वों के पर्यायवाची हैं। अब सोचा जाए तो हमारा शरीर भी इन्हीं तत्वों से बना है, अगर इस पे रिसर्च की जाए थोड़ी। जब उन्होंने ये रिसर्च करी तब उन्होंने मुझे जो समझाई बात, मैं उसी तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। उन्होंने एक चौपाई से शुरुआत करी थी, तारा बिकल देख रघुराया, ये तुलसीदास जी की लिखी चौपाई है। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन ही माया। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरे लीन ही माया। छिते जल पावक गगन समीरा, छिते जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इस तरह से वर्णन किया गया है पांचों तत्वों से शरीर के बनने का। मैं थोड़ा सा इसका वर्णन कर दूं तो तारा को व्याकुल देखकर, ये एक वृत्तांत है, इसके मैं गहराई में नहीं जा रहा हूं, आपको सिर्फ इसकी मैं थोड़ी सी शाब्दिक जानकारी दे रहा हूं कि कैसे ये इन पांचों तत्वों से जोड़ता है, कि तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया यानी अज्ञान को हर लिया। उन्होंने कहा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन पांचों तत्वों से ये अत्यंत अधम शरीर रचा गया है, तो इसके ख़त्म होने पर, इसके मिटने पर तुम ज़्यादा शोक मत मनाओ, ये मिट्टी का था, मिट्टी में ही मिल गया। हमारे शरीर में कहाँ कहाँ हमें ये कण नज़र आते हैं, अगर वो देखें हम हाथों में या स्वेट में या बालों में या चेहरे पर, आप देखते हैं कहीं ना कहीं मिट्टी के कण होते हैं। जल हमारे शरीर में है ही है, आप सभी जानते हैं। ओज प्रकाश, तेज हमारी आँखों में होता है, तेज हमारे विचारों में होता है, ये जो शरीर चमकता है ये तेज है। कई लोग जो साधना करते हैं उनकी आँखें चमकती हैं, चेहरा चमकने लगता है, जिसे हम कहते हैं ग्लो आ गया स्किन पर। आकाश हमारी आँखों में होता है, अगर जो हम देखते हैं जो सफ़ेदी है वो आकाश का प्रतीक है, और वायु तो हमारी श्वास चल ही रही है। तो ऐसे देखिए, हमारे शरीर में ही अगर मंथन किया जाए तो एक एक कण, एक एक तत्व निकल के आता है। इस पर मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं पहले ही बता दूँ, मैं तो सिर्फ अपने पिताजी की रिसर्च को आप सभी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस ओमकार के रियाज की जो महिमा है उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो कुछ मैंने जाना सीखा है उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है मैं एक छोटा बच्चा हूँ भाई, बहुत सारी चीज़ें मुझसे मिस हो रही हो, ये टॉपिक हो सकता है बहुत बड़े बड़े विद्वानों का टॉपिक है जो इस पर घंटों बता सकते हैं। तो मेरी तो आप म्यूज़िक लर्नर्स से, क्योंकि मैं एक म्यूज़िक लर्नर हूँ, तो एज अ फ्रेंड जैसे होता ना कि एक नई बात सीखी है तो उसको शेयर करने की एक आकांक्षा मन में रहती है, एक इच्छा मन में रहती है। तो बस वही मैंने शेयर करने की कोशिश करी कि कैसे ये पांचों तत्व, अवनि यानी अ, उ से उदक, ओ से ओज, ओ से ओंकार, म से वायुम, अवनि यानी पृथ्वी, उदक यानी जल, ओज यानी उजाला प्रकाश जो कि अग्नि तत्व है, और ओंकार यानी आकाश, और वायुम यानी हवा, वायु, जो पांचों तत्व हैं। तो जब आप इसका रियाज करते हैं वो भी ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य उदय से पहले 4 बजे ब्रह्म वेला में, भैरव का जो समय है उसमें, अपने अपने पिच पर कैसे रियाज करना है उसके ऊपर मैंने कई बार वीडियोस दिए हैं एक्सप्लेनेटरी, जिसमें ओम का रियाज कैसे करना है, रियाज की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, क्या बैठना है, कैसे बैठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, किस स्वर से करना है, उस पर पूरी चर्चा कर चुका हूँ। तो वो बता चुका हूँ और प्रॉपर तरीका क्या होता है, एक एक अक्षर को एक एक सांस में कैसे लेना है, उच्चारण कैसा होना चाहिए, वो सब पर मैं बात कर चुका हूँ। आज तो सिर्फ थोड़ी सी आध्यात्मिक बातें हैं जो ओमकार से जुड़ी हुई हैं, तो एक ही अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से जब ये चीज़ मन में रख कर इस दृष्टिकोण से आप इसका रियाज करते हैं तब अलग ही महिमा होती है इसकी। सिर्फ गले की एक्सरसाइज मान के इसका रियाज करते हैं जो लोग, उनमें ये असर आ जाता है लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता। असर तब भी आता है क्योंकि ये ओम की महिमा है, प्रणव अक्षर की महिमा है।
तो असर तो आता है, लेकिन उतना नहीं आता है क्योंकि हमारी मान्यता नहीं है। तो मान्यता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, धारणा अवधारणा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप सवेरे ओमकार का रियाज लगाएं और अगर इन अक्षरों का जाप करते समय इन तत्वों का भी ध्यान करेंगे, सातों चक्रों का बैलेंस होता है इससे आपके शरीर में, आप शांत, आप ज्ञान आपकी तरफ चल के आता है, ये ओन एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, है ना, अनुभव होने लगते हैं आपको। मैं तो बहुत नन्हा बालक हूँ, मैंने तो इसका इतनी साधना नहीं करी है, अभी कर रहा हूँ और जारी है। बस मेरी मंशा ये रहती है कि प्रेरणा देता रहूँ, क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो आप लोग भी करें, है ना। मैं कोई बड़ा साधक नहीं हूँ कि मैं ओम पर बोलूँ या ओमकार की महिमा का बखान करूँ, मगर जो थोड़ा बहुत जाना है बस वो आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ कि ओमकार का रियाज मेरे पिताजी ने मुझे सिखा के वरदान दे दिया एक तरह से, कि जब उन्होंने मुझे दिया जिस दिन की ओमकार का रियाज ऐसे होता है, मैं उस दिन से अपने आप को इतना अहोभाग्य मैं अपने समझता हूँ कि एक वरदान मुझे मिला। तो बस वही वरदान मैं आप सभी लोगों तक शेयर करता हूँ, क्योंकि वो कोई रिसर्च करते हैं तो मैं उसमें शामिल होता हूँ। तो मैं चाहता हूँ जो हमारा पूरा परिवार है यहाँ, अभी हाल फिलहाल में 7.5 लाख क्रॉस कर चुका है ये परिवार, और आगे आने मिलियंस वाले और लोग, उन तक भी ये चीज़ पहुँच जाए कि जो मैं सीख रहा हूँ, मैं इतना लकी हूँ कि मैं साधकों के बीच में हूँ और वो चीज़ जानता हूँ। तो ओम का रियाज कैसे करना है, कब करना है, उसकी जानकारी तो मैं दे चुका हूँ, उसकी महिमा का आज मैंने वर्णन कर दिया कि कैसे वो शरीर में इंद्रियों से कनेक्टेड है। उस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो सुषुम्ना या जो नाड़ियाँ हैं हमारी, उससे कैसे रिलेटेड है, और इड़ा पिंगला कैसे हमें ये वर्तमान में लाता है। सहज योग में कई लोगों ने इस पर कई बातें करी हैं, तो मैं तो कुछ उसका जिक्र नहीं कर पाऊंगा यहाँ, उतना मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ वो हमारे शरीर का इंटरनल बैलेंस, हमारे जो सातों चक्र हैं उसका बैलेंस करता है, हमें प्रेजेंट में लाता है कुल मिला के, और वही हमें चाहिए। ठीक है, तो कैसे ये पांचों तत्वों से जुड़ा था, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। मैं कोशिश करूँगा कि पिताजी से दरख्वास्त करूँ कि इसकी महिमा और वो बताएं, और वो भी वीडियो मैं जल्द आप लोगों तक पहुँचाऊँ कि कैसे पांचों तत्वों से शरीर के और अंदर इंटरनली कैसे कनेक्टेड है, माइंड से कैसे कनेक्टेड है ये ओमकार मंत्र, वरना तो आप सभी जानते हैं ओम की महिमा को। बस बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, कुछ ना कुछ मैं नया लाने की कोशिश करता हूँ। आई होप ये एक नया पॉइंट था जो ओमकार को लेकर मेरे ख्याल से आपने कभी नहीं सुना होगा। ऐसे ही आप भी चिंतन कीजिए कि ओम आपकी ज़िंदगी से कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है। धन्यवाद।